नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10T वर्सेस Samsung Galaxy A12 Exynos 850 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में 6.37 इंच जबकि Galaxy A12 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में 2.96 इंच जबकि Galaxy A12 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 0.35 इंच जबकि Galaxy A12 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 190 ग्राम्स जबकि Galaxy A12 में 205 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Xiaomi Redmi Note 10T से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में IPS LCD जबकि Galaxy A12 में TFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Xiaomi Redmi Note 10T में 1080x2400 और Galaxy A12 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Xiaomi Redmi Note 10T में 83.72% जबकि Galaxy A12 में 82.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A12 में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A12 की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A12 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 10T में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy A12 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में Mali-G57MC2 जबकि Galaxy A12 में Mali-G52MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में MediaTek Dimensity 700MT6833 और Galaxy A12 में Samsung Exynos 8 Octa 850 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB 6GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 10T में 4 कलर्स जबकि Galaxy A12 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Xiaomi Redmi Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी A12 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 10T में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A12 Exynos 850 की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Xiaomi Redmi Note 10T आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Xiaomi Redmi Note 10T आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, दूसरा Vivo V20 है, तीसरा Oppo A53 2020 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।